ये जो स्टेप्स हम करने वाले हैं इसमें जो फोरहेड लाइनिंग्स एजिंग की वजह से हमें आती है वो रिड्यूस हो जाती है और आपके फोरहेड के जो मसल है वो टोन हो जाते हैं. तो ओनली मूवमेंट फोरहेड पे जो होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ योर आईब्रोज और आंखों के जो मूवमेंट है उस हिसाब से होती है और ब्लड सर्कुलेशन उसी टाइम पे मिलता है. सो ये दो फिंगर जो है इसको अगेन सी शेप्ड बनाएंगे, उसको आईब्रोज के ऊपर हम इस तरह रखेंगे और 20 टाइम्स हम इसको करेंगे. रिलैक्स 20 टाइम्स ये मूवमेंट हम करेंगे. इससे हमारे जो फोरहेड के लाइनिंग्स है वो रिड्यूस हो जाएंगे और यहाँ के जो मसल्स है वो टोन हो जाएंगे. ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं लुक अप यानी ऊपर देखना, ये हमारी आईलिड्स और हमारे जो आंखें है, जो आईलिड्स नीचे आ जाती है बहुत बार, ड्रूपिंग ड्रूपिंग नहीं बोलेंगे, बहुत सोलन लगती है हमको और बहुत लगता है कि वो हमारी आंखों को ढक रही है, छोटा बना रही है. और आंखों का साइज भी एक्सरसाइज से हम बढ़ा सकते हैं, जो नॉर्मल साइज है एजिंग की वजह से जो चेंजेस आए हैं उसको थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश की जाती है ये एक्सरसाइज से. तो डेफिनेटली ये टू फिंगर्स को हमको आईब्रोज के पास रखना है यहाँ पे और ऊपर देखना है विदाउट एनी स्ट्रेस. फोरहेड पे नहीं आना चाहिए, आईब्रोज को हमको लिफ्ट नहीं करना है विदाउट डूइंग एनीथिंग. जस्ट लुक अप फॉर 20 काउंट करके 20 सेकेंड्स हमको ऊपर देखना है. Then relax. Open कीजिए eyes को और left की तरफ ऊपर देखना है आपको 20 seconds. Then relax. Then same movement right की तरफ देखना है आपको ऊपर, पूरा eyes को widely open कर लीजिए. Then relax. और नॉर्मल जो ब्रीदिंग है आपका, जो ब्रीदिंग चल रहा है नॉर्मल, उसे चलने दीजिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो हमारी जॉ लाइन टोन हो जाए, चीक बोन थोड़े से उभर कर आए और जो लिप्स है उनको भी एक अच्छा साइज मिले या एक अच्छा टोनिंग और बहुत उभार मिले उसको. इसलिए सो इसमें सिंपल है, थोड़ा सा जो मुंह है उसको बाहर निकालना है, लोअर लिप को अपर लिप से कवर करना है और एक स्माइल देनी है. तो इसको निकालिए बाहर. ट्वेंटी सेकेंड होल्ड कीजिए और रिलैक्स हो जाइए. बहुत सारी महिलाएं एक्सपीरियंस करती है कि लिप्स जो है वहाँ की जो मसल्स है या यहाँ पे बहुत सारी लाइनिंग्स आना चालू हो जाता है. तो ये लाइनिंग्स अगर आपको कम करनी है तो ये तो लिप्स को जो है टाइटली बंद करना है, सेंटर में जो है वो पूरा उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ये लिप्स मसल्स का. तो ये जो अराउंड लिप्स की आपकी जो मसल्स है वो टोन हो जाएगी. सिंपल है, दोनों को पास में लाके दबाना है सिंपल तरीके से. ट्वेंटी सेकेंड होल्ड करना है और ये जो कर रहे हैं एक्सरसाइज इसको 5 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं. पोजीशन में शोल्डर एकदम रिलैक्स होने चाहिए, चेस्ट ओपन होना चाहिए और जो आपका फेस है वो एक लाइन में होना चाहिए और ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यूएशन में आपकी नॉर्मल तरीके से चलनी चाहिए.
नेक्स्ट एक्सरसाइजेस इज ये जो आपकी नेक लाइन है और ये जो जॉ लाइन है इसके लिए है, ये लाइंस जो है कम करने के लिए. सिंपल है, लोअर लिप को आपको थोड़ा इस तरह से खोलना है और ये तीन जो आपकी उंगलियां है इसको यहाँ पे प्रेस करना है, जस्ट टू गिव अ रेजिस्टेंस. बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है और मूवमेंट जो है वो ये मसल्स से होनी चाहिए, उंगलियों से नहीं. सो जस्ट आपके लोअर लिप दिखे इस तरह से ये एक्सरसाइज हमें करनी है. नेक पे आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेस आ रहा है. नेक्स्ट फेस एक्सरसाइज के लिए ये जो हाथ है इसे पीछे बांध लीजिए और चेहरे का जो आपका लिप का एरिया है उसमें पूरा हमको स्ट्रेच करना है इस तरह. ट्वेंटी सेकेंड करके रिलैक्स हो जाइए एंड द काउंटर पोज. रिलैक्स, काउंटर पोज 10 सेकेंड करेंगे. हाथ है उसे पीछे रखेंगे एंड रिलैक्स. 20 सेकेंड स्ट्रेचिंग, 10 सेकेंड ओ.